तेजस्वी यादव हुए या चिराग पासवान, सबको लगभग पिछले 10 साल से हम लोग देख ही रहे हैं, और हम लोग को एक भरोसा था कि चलिए युवा है तो युवा के लिए काम करेंगे, लेकिन वो होता है ना कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और है, यही वाला सिस्टम हम लोग को समझ में आया। चुनाव से पहले आप ताकत दिखा रहे हैं कि भाई भैया आप चुनाव लड़िए, इतने लोग हम लोग साथ। हाँ, हम लोग इनको समर्थन अपना दे रहे हैं एक तरह से, आपकी आप हतोत्साहित मत होइए, हम आपके साथ हैं। दिखा देना है कि इतना भीड़ हमारे साथ है भाई, कोई पार्टी तो कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल, ये रामा बाबू का खासियत है कि इनके साथ जनता और नेता दोनों हैं। क्या लग रहा है कितने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे? लाखों से ऊपर है। अच्छा, लाखों से ऊपर है। लाखों से ऊपर है, आप देखिए पूरा पटना हैक हो गया हुआ। हम भूमिहार हैं, ठीक है, हम भूमिहार हैं, और ये है राजपूत। अगर जात वाइज देखिएगा तो हमको तो नहीं आना चाहिए इनके साथ। यानी कि सवर्ण भी यहाँ पर एक, सवर्ण तो छोड़िए, दलित भाई हमारे साथ अधिकतर अभी युवा जो है दलित है, इनके साथ जो जा रहे हैं अभी अधिकतर युवा दलित युवा जुड़ रहे हैं। इनके विचार से, इनके सोच से जुड़ा हुआ आदमी जो है ना, वो चाहे किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, इनके साथ खड़ा रहता है। दलित वाले चिराग के साथ नहीं जुड़े? देखिए, चिराग के साथ जुड़ने के लिए वही होता है ना उनका, कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का। वो ऊपर से दलित दलित करते हैं, लेकिन अंदर से जब उनका बैक ऑफ द फ्रंट वहां बैठते हैं एक जगह, उसके बाद जो योजना बनना होता है, कभी भी वो दलित के लिए नहीं लड़े आज तक। चाहे संसद में आप उठाकर उनका बयान देख लीजिए, एक भी बयान जिसमें ये बोला गया कि दलित के लिए आप स्पेशल कोटा ये करिए वो करिए, कुछ भी नहीं। अगर दलित हैं वो EWS के तहत जिस तरह से जनरल में रिजर्वेशन मिलता है, उनको भी आरक्षण छोड़ देना चाहिए उन्हीं के भाई के लिए। उनके अगर वो आरक्षण छोड़ेंगे तो उन्हीं के भाई को ज़्यादा प्रतिशत मिलेगा। अगर 40 नंबर में आज उसका कट ऑफ है, कल को 30 नंबर हो जाएगा, तो उनको ये सब सोचना चाहिए, लेकिन दलित के लिए नहीं सोचेंगे, सिर्फ दलित के नाम पर रोटी सेकते हैं। वैशाली के सांसद ये रह चुके हैं, और आज भी हम लोग उतने ही दिल से मानते हैं कि आज भी ये सांसद हमारे रहें और बिहार का नेतृत्व करें, ताकि हम लोगों को एक आजादी के रूप में मिल सके। देखिए, अभी अभी सैकड़ों की भीड़ में यहाँ पर लोग जुटे हैं, युवा खास करके बाइक से यहाँ पर पहुंचे हैं, और उन लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या उनको रामा सिंह ने क्या दिखा। भाई युवा हैं, और युवा इतने युवा जो हैं इनके तरफ अट्रैक्शन हो रहे हैं। एक युवा हमारे साथ भी है, क्या नाम है आपका? कुमार आयुष नाम हुआ। कुमार आयुष, मैं देख रही हूँ कि आप लोग बाइक से आ रहे हैं, आपके पीछे बहुत सारे युवा कम्युनिस्ट के जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बहुत सारे युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान भी है, और भी कई ऐसे हैं जो राजपूत के, भूमिहार के, सबके नेता बन रहे हैं। आप लोग रामा किशोर सिंह के साथ? देखिए, जिनका जिनका आप नाम लिए, चाहे तेजस्वी यादव हुए या चिराग पासवान, सबको लगभग पिछले 10 साल से हम लोग देख ही रहे हैं, और हम लोग को एक भरोसा था कि चलिए युवा है तो युवा के लिए काम करेंगे, लेकिन वो होता है ना कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और है, यही वाला सिस्टम हम लोग को समझ में आया। रामा भैया जहाँ तक बात है, हम लोग के लिए शुरू से ही, चाहे उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, हमेशा साथ में हो, या कहीं भी बैक ऑफ द फ्रंट भी हमेशा हमेशा वो साथ, सभी युवा, चाहे युवा हो या समाज का हर वर्ग हो, उनके लिए ये लड़ाई लड़ते रहे। और आज का दिन ये है कि आज आप उधर मिलर ग्राउंड जाइएगा, हमारे साथ तो भी 5,000 युवा था ही, 5,000 युवा, सभी बाइक से ही, सभी हम लोग बोरिंग रोड से, रवि मेंशन से यहाँ तक अभी तक पूरा बाइक से ही, हमारे साथ बहुत सारे युवा लोग अभी निकल गए जो मिलर ग्राउंड पहुँच गए। मिलर ग्राउंड आप जाइएगा, देखिएगा लाखों की मात्रा में इनके रामा विचार मंच से जुड़े हुए, जो इनका सोच का, जो भी इनके इनका प्रशंसक है, सब देखिएगा इनके साथ अभी वहाँ पर मौजूद है। देखिए, एक जो समाज के प्रति जो हमेशा अपने आप को न्यौछावर करना, हर परिस्थिति में चाहे सुख हो या दुख हो, बहुत नेता होता है सुख में तो आपके घर पहुंच जाएगा, या दुख में भी आपका जो श्राद्ध क्रम रहता है उसमें पहुंच जाएगा, लेकिन जब आपको जरूरत है, चाहे हॉस्पिटल का काम हो या किसी भी चीज़ का काम हो, वहाँ आपका मदद नहीं करेगा, पीए को बोल देगा कि बोल दो नहीं है नेताजी घर में। इनके लिए आप आइए, इनका हमेशा दरवाज़ा खुला रहता है, आप एक ऐसा नेता पाइएगा इनको कि हमेशा 24 घंटा, चाहे रात को 2 बजे कोई कॉल करे कि भैया PMCH में हमको काम है, IGMS में काम है, मेरा पेशेंट दिखवाना है, तुरंत एट अ टाइम आपके लिए खड़ा रहते हैं। यही इनमें सबसे बड़ी खासियत है कि जनता के लिए हमेशा खड़ा रहना। मतलब जात वाइज नहीं आप लोग देख रहे हैं, पार्टी वाइज नहीं देख रहे हैं कि भाई रामा जी RJD से हो या JDU में जाएं, उस पार्टी से आप लोग? देखिए, हम भूमिहार हैं, ठीक है, हम भूमिहार हैं, और ये है राजपूत। अगर जात वाइज देखिएगा तो हमको तो नहीं आना चाहिए इनके साथ। यानी कि सवर्ण भी यहाँ पर एक, सवर्ण तो छोड़िए, दलित भाई हमारे साथ अधिकतर अभी युवा जो है दलित है, इनके साथ जो जा रहे हैं अभी अधिकतर युवा दलित युवा जुड़ रहे हैं। इनके विचार से, इनके सोच से जुड़ा हुआ आदमी जो है ना, वो चाहे किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म संप्रदाय से हो,
इनके साथ खड़ा रहता है। वाले चिराग के साथ नहीं जुड़े? देखिए चिराग के साथ जुड़ने के लिए वही होता है ना उनका, कि हाथी का दांत दिखाने का, कुछ और खाने का। वो ऊपर से दलित दलित करते हैं, लेकिन अंदर से जब उनका बैक ऑफ द फ्रंट वहाँ बैठते हैं एक जगह, उसके बाद जो योजना बनना होता है, कभी भी वो दलित के लिए नहीं लड़े आज तक। चाहे संसद में आप उठाकर उनका बयान देख लीजिए, एक भी बयान जिसमें ये बोला गया कि दलित के लिए आप स्पेशल कोटा ये करिए वो करिए, कुछ भी नहीं। अगर दलित हैं वो EWS के तहत जिस तरह से जनरल में रिजर्वेशन मिलता है, उनको भी आरक्षण छोड़ देना चाहिए उन्हीं के भाई के लिए। उनके अगर वो आरक्षण छोड़ेंगे तो उन्हीं के भाई को ज़्यादा प्रतिशत मिलेगा। अगर 40 नंबर में आज उसका कट ऑफ है, कल को 30 नंबर हो जाएगा, तो उनको ये सब सोचना चाहिए। लेकिन दलित के लिए नहीं सोचेंगे, सिर्फ दलित के नाम पर रोटी सेकते हैं। रामा विचार मंच एक ऐसा मंच है कि जहाँ हर एक लोग का सम्मान होता है। रामा किशोर जी किसी भी पार्टी के साथ जाए आप लोग उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, रामा विचार मंच से जुड़ने का यही मकसद है कि इनका जो सोच है, महात्मा गांधी का एक सोच ही था ना, उनके सोच के प्रति ही उनके साथ लोग जुड़ा, चाहे अंबेडकर का सोच हो या सुभाष चंद्र बोस को, एक सोच के प्रति किसी का जुड़ा होता है। कोई पार्टी में ना जाते हो, निर्दलीय अगर खड़ा होते हो, इनका जो भी फैसला होगा इनके साथ, सारे युवा के साथ साथ समाज का हर वर्ग के लोग इनके साथ खड़ा है। रामा बिचार मतलब चुनाव इस बार लड़वाना चाह रहे हैं ना कि भाई? हाँ, चुनाव तो लड़ना है, चुनाव लड़ना है। ये सीट नहीं लड़ेंगे, चाहे कोई भी सीट ये फाइनल करे इनके ऊपर है, चाहे वैशाली हो, शिवहर हो, या जहाँ भी बिहार के किसी भी सीट से लड़े। इनके साथ जो इनके विचार मंच में जुड़े हुए लोग हैं, चुनाव से पहले आप ताकत दिखा रहे हैं कि भाई भैया आप चुनाव लड़िए, इतने लोग हम लोग साथ। हाँ, हम लोग इनको समर्थन अपना दे रहे हैं, एक तरह से आपकी, आप हतोत्साहित मत होइए, हम आपके साथ हैं। और आज का जो युवा है, आप एक चीज देख लीजिए, तेजस्वी यादव या उससे ज्यादा इनके साथ युवा जुड़ा हुआ है पूरे बिहार में, यही है। बहुत बहुत कुमार आयुष हमारे साथ जुड़े हुए थे। और भी लोगों से हम बात करते हैं। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर मिलर हाई स्कूल के पास आए हैं, विचार क्या कर रहे हैं? हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं, मोतीपुर जिला परिषद सात का जिला परिषद। यहाँ रामा विचार मंच का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ आज सभी लोग का मंतव्य जानने के लिए आज सभा का आयोजन किया। कौन किसके साथ है? रामा भैया किसके साथ मतलब चुनाव लड़े? हाँ, रामा भैया किसके साथ चुनाव लड़ेंगे इसी का मंथन होगा, किस दल के साथ, किस पार्टी के साथ। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ से लड़ेंगे? नहीं, अभी तक तो कोई विचार नहीं है। सब अपना अपना विचार देगा ना, तो आपका विचार? आज के बाद हम लोग अपना विचार देंगे। अच्छा भैया कहाँ लड़ेंगे? शिवहर लड़ेंगे, वैशाली लड़ेंगे, कौन पार्टी से लड़ेंगे? कहीं से लड़ेंगे? कौन पार्टी से लड़ेंगे? देखिए यहाँ मंच तय करेगा भाई, मंच में तो आप ही लोग ना तय कीजिएगा, विचार आप ही लोग दीजिए। सब लोग जुटेंगे तब ना तय करें, व्यक्तिगत राय में क्या दूं? सब लोग जब वहाँ जुटेगा, सब लोगों की जो राय होगी होगी, अभी व्यक्तिगत राय कुछ नहीं होगी भाई। सब बात को दबा रहे हैं आप लोग, विचार आप लोग जाके देने वाले हैं। रामा किशोर जी भी बोल रहे हैं कि जो लोग कहेंगे वही हम करेंगे। भाई तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग तो आप लोग भी तो हैं। हाँ, तो हम लोग तो कह ही रहे हैं कि रामा किशोर बाबू जैसा नेता अभी बिहार में कम है, और हम लोगों के वैशाली के सांसद ये रह चुके हैं, और आज भी हम लोग उतने ही दिल से मानते हैं कि आज भी ये सांसद हमारे रहें और बिहार का नेतृत्व करें, ताकि हम लोगों को एक आजादी के रूप में मिल सके, और इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से। एक सवाल है मेरा कि हर कोई चाहता है कि चुनाव मतलब भविष्य देखकर ही चुनाव लड़ना चाहता है, उस पार्टी में जाना चाहता है। अभी जिस तरह के चुनाव जो हो रहे हैं, अभी चुनाव जो हुआ आपने देखा है कि 3 जगह से बीजेपी की जीत हुई है, तो लोग तो यही चाहेंगे ना भाई, जिधर से धारा बढ़ रही है हम उसी ये में नाव चलाएं, है ना? देखिए रामा सिंह वो शख्सियत है, पार्टी इनके पीछे जाएगा, ये पार्टी के पीछे रहने वाले नहीं है। और अकेला भी कहीं से खड़ा होंगे तो रामा किशोर सिंह निश्चित रूप से विजयी रहेंगे, और ये पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व मतलब आज वो दिखा देना है कि इतना भीड़ हमारे साथ है भाई, कोई पार्टी तो कहेगा कि बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये रामा बाबू का खासियत है कि इनके साथ जनता और नेता दोनों हैं। क्या लग रहा है कितने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे? लाखों से ऊपर है। अच्छा, लाखों से ऊपर है। लाखों से ऊपर है, आप देखिए पूरा पटना हैक हो गया हुआ है। अच्छा, हैक हो गया पटना है। बिल्कुल। अभी और लोग आ रहे हैं कि पूरे बिहार से हैं। मैं तो अभी सीतामढ़ी वैशाली से हमारे जो गाड़ी सब है अभी पीछे ही फंसा हुआ है, जाम में है। तो निश्चित रूप से ये आपको आज दिखाई देगा कि रामा बाबू जनप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। वो वैशाली की धरती से सांसद बने हैं, और हम लोग चाहते हैं कि मैं वैशाली से हूं। और क्या लग रहा है कि रामा जी कहां से चुनाव? हम लोग तो चाहेंगे कि वैशाली से ही आए। अच्छा। क्योंकि वैशाली अशोक की धरती रही है, हम खुद जिला अध्यक्ष सरपंच संघ के हमारे जितने भी सरपंच हैं इनके साथ खड़ा है।
तो आपने सुना रामा किशोर विचार मंच से ये लोग जुड़े हुए हैं। रामा जी कहीं भी रहें, किसी भी पार्टी में रहें, बस ये लोग अपना दम दिखा रहे हैं। इनका कहना है साफ तौर पे कि भैया आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, हतोत्साहित मत होइए, निराश मत होइए, आप चाहे कहीं से भी चुनाव लड़िए, अगर निर्दलीय भी खड़ा होते हैं तो उसमें भी हम लोग आपके साथ देने वाले हैं। और आपने सुना युवा, खास करके कितने युवा यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ना तेजस्वी को ये मान रहे हैं, ना ही चिराग पासवान को मान रहे हैं, दलित भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सवर्ण भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। आज रामा किशोर विचार मंच से जुड़ रहा है क्योंकि उन्हें रामा किशोर विचार बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं इसके बाद फैसला आने वाला है कि कहां से और किस पार्टी से रामा किशोर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।